तरनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन की खबर से राजपूत समाज में शोक की लहर है। सामाजिक संगठनों के साथ ही राजनीतिक दलों के नेता भी कालवी के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि कालवी की पहचान एक राजपूत समाज के नेता के तौर पर ज्यादा थी। समाज से जुड़े कई आंदोलनों को उन्होंने नेतृत्व किया। उन्हीं के द्वारा गठित करनी सेना संगठन में समाज के लोग जुड़ते चले गए और ये एक सशक्त संगठन बनकर उभरा। करनी सेना संगठन की इकाइयां आज न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश दुनिया में काम कर रही है। कालवी के करनी सेना के गठन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो कम प्रचारित है या जिनसे आमजन कम परिचित है। संगठन से जुड़ी ऐसी ही कुछ खास बातें यहां पेश की जा रही है। करनी सेना की उत्पत्ति वर्ष 2005 में बताई जाती है। राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने तरुण प्रताप सिंह यदुवंशी के साथ मिलकर राजपूत समुदाय को एकजुट करने के मकसद से संगठन का गठन किया था। करनी सेना संगठन का औपचारिक गठन 23 सितंबर 2006 को जयपुर के झोटवाड़ा में हुआ था। मुख्य उद्देश्य राजपूत समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में जाति आधारित आरक्षण की पुरजोर मांग उठाना भी था। विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन ने समय समय पर राजनीतिक दलों से समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग भी उठाई। करनी सेना के पहले अध्यक्ष अजीत सिंह मामडोली बनाए गए थे। वर्ष 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में करनी सेना ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। उस समय कालवी कांग्रेस से जुड़े थे और मामडोली चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का टिकट चाह रहे थे। वक्त का पहिया आगे बढ़ा तो संस्थापक और अध्यक्ष के बीच मनमुटाव हुआ। दोनों नेताओं के बीच मतभेद के चलते संगठन गुटों में बट गया। मामडोली ने करनी सेना छोड़ते हुए एक नया गुट बना लिया। मामडोली ने कालवी की करनी सेना के खिलाफ ये कहते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि उन्होंने श्री राजपूत करनी सेना के नाम से संगठन रजिस्टर्ड करवाया है। मामडोली के जाने के बाद कालवी ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अपने गुट का अध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में आरक्षण की मांगों को लेकर कालवी और गोगामेड़ी के बीच भी मतभेद पैदा हुए। वर्ष 2015 में गोगामेड़ी को आपराधिक आरोपों पर निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने खुद का गुट श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बना लिया। गोगामेड़ी के जाने के बाद कालवी ने तब महिपाल सिंह मकराना को अपने गुट का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में करनी सेना के तीन प्रमुख गुट हैं, लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा गठित श्री राजपूत करनी सेना, अजीत सिंह मामडोली के नेतृत्व में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के नेतृत्व में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है।